तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों दोस्तों इस सोशल मीडिया के ज़माने में कब किसके साथ कितना फ्रॉड हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे कि आजकल में ट्रेंड ही चल रहा है दोस्तों कि अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो आपके चैनल आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसमें आपको सारा स्टेप बताया जाता है कैसे क्या करना होता है। ऐसे ही एक न्यूज आई है भी जल्द के सामने, भूपेंद्र नाम का एक लड़का था जिसके पास व्हाट्सएप से एक लिंक आता है और उस लिंक पे वो क्लिक कर देता है, ठीक है। उधर से हेलो हाय आता है, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वो बंदा क्या करता है, सोचता है भाई सभी आजकल बेरोज़गार हैं या बहुत से लोग ऐसे भी बैठे हैं तो घर बैठे जो इनकम करना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, चलो भाई लिंक पे क्लिक कर दिया, उसके बाद टेलीग्राम से जुड़ गया। उसने बोला कि आपको सिर्फ वीडियोस को देखने हैं, लाइक करने हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके आपको पैसे मिलेंगे और एक सब्सक्राइब के आपको 200 रुपये मिलेंगे दोस्तों। तो उसने क्या सोचा, चलो हमें क्या करना है, हमें वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सीधे हमारे पैसे आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई भाई, ऐसे अगर करने को मिले तो हम तो घर बैठे दिन भर 50 वीडियो दिन भर लाइक करें और पैसे हमें मिलते रहें। ये सोचकर उसने क्या किया, उसने चैनल को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में उसने जितनी भी वीडियोस भेजी उसको देखा, उसके बाद लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। लेकिन उसके साथ क्या होता है आगे धीरे धीरे देखिएगा। उसको इतने वीडियोस के उसको 100-200 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं ताकि उसको विश्वास हो जाए कि हाँ हमें इनकम हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से उसको थोड़े बहुत फ़ायदे हुए और लालच देने के लिए और भी लिंक भेजे जाते हैं और वीडियोस भेजे जाते हैं, 100-200 उसके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं जिससे जिसके चलते उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये सही चीज़ है, रियल है, कोई फेक नहीं है, ठीक है। इससे होते होते उसने बहुत सारे वीडियोस को लाइक किए, सब्सक्राइब किए। उसके बाद में आगे क्या होता है कि उससे बोला जाता है कि अगर आप और इनकम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये आप डिपॉजिट कीजिए, ठीक है। डिपॉजिट करने के बाद में आपको वो 15,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि वो 5,000 रुपये लगा देता है, ठीक है, विश्वास करके। उसके बाद 5,000 उसको वापस भी मिल जाते हैं, 15,000 रुपये उसको वापस मिल जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर उससे बोला जाता है अगर आप और भी ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं तो इसमें जितने पैसे लगाएंगे उसका आपको 200% आपको मिलेगा। क्या करता है, उसकी जितनी भी जमा पूंजी होती है 10 लाख रुपए वो पूरे के पूरे लगा देता है। अब खेल यहाँ पे शुरू होता है। अब उसको बोला जाता है कि अभी आपके पैसे डबल हो रहे हैं और अब आपको अगले दिन मिलेंगे। चलो वो वेट करता है, खुश होता है, अच्छे से खाता पीता है, सो जाता है। सुबह उस पर एक मैसेज आता है 10 बजे के करीब कि अगर आप अपने पैसे लेना चाहते हैं तो अभी आपको 1 लाख रुपये और इसमें जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको जो है अभी वेरिफिकेशन के लिए आपको जमा करना पड़ेगा। उस बंदे ने क्या किया, चलो ठीक है भाई, हमारे तो 1 के 2 हो रहे हैं, 2 के 4 हो रहे हैं, 4 के 8 हो रहे हैं, ऐसा होता है तो क्यों ना हम इतने पैसे दे दें। 1 लाख रुपये उसने और व्यवस्था की और उसके बाद दे दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, होता ये है कि आपके ट्रांजेक्शन कुछ चार्जेस लग रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि अभी आप 1 लाख रुपए की व्यवस्था और कीजिए। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े, उससे बोला कि भाई ऐसा है कि अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप ऐसा करो जो हमारी रकम थी वो हमें आप वापस कर दो। तो बोलते हैं कि आप जब तक 1 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक हम आपका एक भी पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन फ़ीस होती है और ये ट्रांजेक्शन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। दोस्तों बहुत घबरा जाता है, इसके बाद में वो किसी को बताता नहीं है और बहुत ही परेशान हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है, उसने शायद बहुत गलत कदम उठा लिया और उसने सुसाइड कर लिया। ये बात कब सामने आई, उसके घर वालों ने बताई, जाके पुलिस थाने में FIR की छानबीन हुआ, इसके बाद में ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो दोस्तों इस फ्रॉड से बचने के लिए आपका एक ही तरीका है, अगर कोई अननोन पर्सन आपको हेलो हाय करता है, अगर आप उसको जानते हैं तो उसके साथ में हेलो हाय कीजिए, अदरवाइज आप उसको लेफ्ट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, और कोई भी अननोन लिंक आए तो उस पर आप क्लिक ना कीजिए, इस जैसे कि आप इसे बच सकते हैं। और किसी भी लालच में ना फंसिए, अगर कोई लालच दे रहा है, कह रहा है 100 के 200 मिलेंगे, 2 के 400 मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, और ऐसे लोगों से बच के रहिए। तो दोस्तों हमारा काम था आपको सावधान करना और आपको जागरूक करना दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।